दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज को घंटा दमा, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आपका लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायरल हो रहा है अस्पताल में बिस्तर पर गाना सुनते हुए ऋषि कपूर का आखिरी वीडियो, जाने इसका सच क्या है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर इस दुनिया के समदा ले चुके हैं, इसीलिए अचानक आई बड़ी निधन की खबर, जैसे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वह सोशल मीडिया पर उनकी आत्मा को शांति के लिए लोगों को दुआएं दे रहे हैं, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच उनका एक बेहद इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। दोस्तों, एक नई वीडियो है जो इनके नाम में एक ही मुंबई के राइटर डायरेक्टर के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसे बीती रात को वीडियो बनाया जा रहा था। इसी के बीच इसी ऋषि कपूर के अस्पताल में बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ ऋषि कपूर आखिरी वीडियो में बताकर वायरल किया जा रहा है। सामने आ रही है जानकारी के मुताबिक बता दें कि वीडियो उनका आखिरी वीडियो नहीं बल्कि फरवरी का वीडियो है। ये फरवरी में ऋषि कपूर को तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये वीडियो दिल्ली के इसी अस्पताल का है। ऋषि कपूर इस वीडियो को अस्पताल में बेड पर लेटे हुए और उनके बगल में खड़ा एक शख्स गाना गाकर सुना रहा है, ऐसे में तेरे दर्द की दिल आबाद रहा। इसी के साथ ही दोस्तों, ऋषि कपूर बहुत ही मस्त गाने में इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो का कैप्शन देखते हुए शख्स डॉक्टर ने बताया कि गाना सुनते हुए बाद लेटे लेटे ऋषि कपूर इस शख्स की तारीफ करते हैं, जी भर दुआएं भी देते रहते हैं। हाँ दोस्तों, बता दें कि ऋषि कपूर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और खूब सफलता प्राप्त करोगे, अब मेहनत करो। देखकर शोहरत नाम ले रहे हैं, आता है मेहनत की बात, तो जब मेहनत की थोड़ी किस्मत साथ देती है तो फल के गाने पेड़ों पर उगने लगते हैं। इसी के साथ बस यही कहना था, इसी वीडियो के लगातार ताबड़तोड़ प्रक्रिया जारी है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर के साथ ही खुशियां बताए हुए सामने आ रही है जानकारी के वीडियो के अनुसार दिखाया जा रहा है जो शख्स कुमार शानू ने इस ऋषि कपूर के फैन है। फरवरी के ऋषि कपूर दिल्ली में की शूटिंग कर रहे थे, वहां पर प्रोड्यूसर के न्यूटो फिल्म की कमी थी, उनके कारण तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत सुधरी। गाने की शौकीन थे धीरज कुमार, उन्होंने सेल्फी के तहत वीडियो बना लिया था जिसे वायरल किया जा रहा है। बता दें कि ऋषि कपूर का निधन के बाद अस्पताल में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से सीधा शमशान घाट ले जाया गया, जिसे वहीं पर उनकी बेटी रिधिमा कपूर ने दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गई और उन्होंने बॉलीवुड के लॉकडाउन के दौरान उनके पिता का अंतिम दर्शन के लिए प्रशासन की इजाज़त मांगी थी। अगर मैं वीडियो कुछ लगती हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।